जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है उसके रिगार्डिंग में। तो ये हमने साइट ओपन कर ली है, रिक्रूटमेंट पोर्टल है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो नॉन रिक्रूटमेंट ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट, और जो स्टार्ट हुई है 11/10/2022 से, और ये वैलिड है 27/11/2022 5 बजे तक। तो इसकी अभी डेट है, आप इसका फॉर्म भरिए। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ऑल दैट। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, थैंक यू। तो चलिए ये एडवर्टाइजमेंट हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड हो गई है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पोस्ट है, देख सकते हैं आप, फार्मासिस्ट ग्रेड, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 आप देख सकते हैं इसमें कि ये ग्रुप सी के अंतर्गत है और इसका लेवल 5 है। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 17 है, और जिसमें कैटेगरी वाइज हम बात करें तो इसमें 9 पोस्ट जनरल की हैं, 3 पोस्ट एससी की हैं, एसटी के लिए कोई भी रिजर्व नहीं है, ओबीसी की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो ये हो गया कैटेगरी वाइज, तो 17 पोस्ट अच्छी पोस्ट हैं। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिए और इसकी प्रिपरेशन करिएगा। आप आगे हम बात करें इसकी कि इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 3, इसका जो क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लार्ज हॉस्पिटल। मतलब आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूट में। तो ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, क्या इसकी फ़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया, इसकी एज क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज जो है आपकी 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स हो सकती है। और अब इसकी बात करें हम फ़ी की, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ़ी है वो अलग अलग कैटेगरी के वाइज अलग अलग है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 1180 रुपये है, और ओबीसी के लिए भी सेम 1180 रुपये है, बट एसटी और एससी जो कास्ट के हैं उनके लिए, कैटेगरी के हैं उनके लिए 708 रुपये है, और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए फ़ी एक्सेप्टेड है। तो ये तो हो गई फ़ी की बात। अब बात करते हैं हम कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात, तो यहाँ पे सिलेबस दिया होगा, इसमें टोटल 100 मार्क का पेपर होगा जिसमें से, और ड्यूरेशन 2 घंटे होगा। 60 मार्क्स का आएगा आपका सब्जेक्ट, मतलब जैसे कि आप फार्मेसी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फार्मेसी आएगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 का जनरल नॉलेज, 10 की रीजनिंग, 10 की मैथमेटिक्स। तो 40 नंबर का आपका आएगा नॉन टेक्निकल और 60 नंबर का आएगा आपका टेक्निकल। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको एक करेक्ट आंसर पे 1 नंबर मिलेगा और एक गलत आंसर देने पे आपको 0.25 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आपके 4 क्वेश्चन यदि गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और इसमें बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं कि मिनिमम आपको नंबर उतने लाना ही पड़ेगा, जैसे 50% जनरल के लिए और 40% एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू, मतलब फिजिकली हैंडीकैप के लिए है। तो मतलब 50% मतलब आपको 100 में से 50 अंक लाना अनिवार्य है, और यदि आप कैटेगरी के हैं तो आपको 40 अंक लाना अनिवार्य है। इंटरव्यू आपका होगा नहीं, डायरेक्टली आपका ये एग्ज़ाम बेस्ड होगा आप फार्मेसी के लिए। अब बात करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। इसका सैलरी आप देखेंगे तो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे लेवल 5 का।
आप देख सकते हैं जो लेवल 5 है उसमें 29,200 प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे, 29,200 प्लस आपको 38% DA, और जहाँ पे आप रह रहे हैं जैसे लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी तो 16% HRA, अब तो शायद बढ़ गया, शायद 18% HRA आपको मिलेगा, तो और TATP मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, तो आपको ये 3 अलाउंस मिलेंगे, तो टोटल इन हैंड आपको 45 से 50 इन हैंड सैलरी इसमें मिलेगी। तो ये हो गई सैलरी की बात, और इसके फॉर्म की डेट की बात हो गई है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रिपरेशन आप करिए, स्टार्ट करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।